नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल और अब हम बात करने जा रहे हैं द रोल ऑफ मनी एंड सेक्स इन अ मैरिज। एक शादी के अंदर पैसे और सेक्स का क्या रोल होता है, और कुछ लोग ये पैसे और सेक्स को ऐसे जोड़ देंगे और कहेंगे साला सेक्स करती है तो पैसे के लिए करती है। वैसे नहीं है, दैट इज नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन ये दो बड़े इश्यूज हैं और ये इश्यूज शादी की क्वालिटी को बना या बिगाड़ सकते हैं। और अब आप कहोगे यार सेक्स से हाउसिंग का क्या लेना देना, बिल्डर्स का क्या लेना देना, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का क्या लेना देना वगैरह वगैरह, और पैसे से क्या लेना देना। तो पैसे से क्या लेना देना तो भाई ऑब्वियस है, लेकिन उसकी भी डिस्कशन करेंगे। और सेक्स से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से फ्लैट से क्या लेना देना, तो उसके बारे में भी डिस्कशन होगा, लेकिन शायद इस वीडियो में नहीं, क्योंकि टॉपिक इतना विशाल है, टॉपिक इतना फैलाव, यानी टॉपिक में इतना फैलाव है कि मैं अगर एक ही वीडियो के अंदर ये सब लाने की कोशिश करूंगा तो ठीक से नहीं इसे एड्रेस कर पाऊंगा। तो आज मैं सिर्फ अभी सिर्फ और सिर्फ शादी के अंदर, शादी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पैसा, मनी एंड सेक्स, ये दोनों का क्या संबंध है। एंड ऑब्वियसली मैं बार बार कहते रहता हूं मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट या फिर ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं। थोड़ा सा लोगों को घिन आता है, क्या यार तुम शादी को एक ट्रांजैक्शन कहते हो, सेक्स के लिए पैसे देना वो टाइप का ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं नहीं, वैसे नहीं है, यानी वो एक बहुत ही एक गंदा वाला ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, वैसे नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम एक यानी उससे कुछ लेना देना भी है, इट इज अ ट्रांजैक्शन, देयर इज अ ट्रांजैक्शनल एलिमेंट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ट्रांजैक्शन क्या है? अब ट्रांजैक्शन दोस्तों, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। कोई लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ और लेता है, कोई कुछ और देता है। एक एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होता है, मोर और लेस बराबरी का वैल्यू होता है, वो वैल्यू का एक एडजस्टमेंट होता है, और ये है ट्रांजैक्शन, यानी कि लेन देन, व्यापार भी कह सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे कह रहा हूं कि शादी एक व्यापार है? तो मैं कहता हूं शादी एक व्यापार तो नहीं है, लेकिन लेन देन के इसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर है और एक तरह का एक्सचेंज है। तो ये एक्सचेंज क्या है? अब ये एक्सचेंज जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ठीक से दोस्तों समझना चाहिए, समझना होगा। और इस एक्सचेंज के बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता है, इसीलिए बहुत सारी शादियां टूटती हैं, बहुत सारी शादियां अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाती हैं। यानी कि अगर टूटती भी ना हो, लेकिन लोग एक ही घर में अजनबी बन के रहते हैं और एक दूसरे को नफरत की नजरों से देखते हैं, तो कड़वा हो जाता है शादी। क्यों है ऐसे? तो ये लेन देन क्या है, क्या लिया जाता है, क्या दिया जाता है, क्या एक्सपेक्टेशन है? दोस्तों हर एक चीज में हम जब कोई लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ एंटर करते हैं कि ऐसा होगा मेरे साथ, इस तरह का माहौल होगा, इस तरह से मेरे साथ किया जाएगा, मेरे साथ मुझे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इस तरह से मेरे साथ बात किया जाएगा, ऐसे मुझे आदर और सम्मान मिलेगा वगैरह वगैरह। और अगर वो सही तरह से मैच नहीं होता है, वो एक्सपेक्टेशन को मैच होने वाला रियलिटी नहीं मिलता है, यानी जो हकीकत है अस्तित्व में है वो पता चलता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन से कम है, हमारे एक्सपेक्टेशंस से बहुत कम है, तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है, हम लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं, हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उस चीज को खींचे जो हमें नहीं मिल रहा है। और वो खींचा तानी में बहुत कुछ बोला जाएगा,
बहुत कुछ कड़वी बातें बोल दी जाएगी जो शायद सच भी ना हो, लेकिन इन द हीट ऑफ द मोमेंट गुस्से में आकर बोल दिया जाता है और एक दूसरे को चोट लगा दिया जाता है और चोट देते हैं, हम जानबूझ के चोट देते हैं कि उसको लगे, उसको दिल पे चोट लगे इस तरह से। और सामने वाला भी वो अब टॉपिक से हट जाता है, उसको अब यानी वो जो लेन और देन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो जो एक्सपेक्टेशन मिसमैच था, उसको छोड़कर मामला बहुत रखड़ जाता है, कहीं और चला जाता है, झगड़ा होता है, गंध फैल जाता है और बेसिकली जो मेन टॉपिक था उससे पूरा हट जाता है और कुछ भी करके उसको मेन टॉपिक पर ला नहीं सकते। तो दोस्तों अगर एक एग्जाम्पल दूं तो शादी ये दो पटरियों पे चलती है, एक ऐसी रेलगाड़ी है जो दो पटरियों पे चलती है। एक पटरी का नाम है सेक्स एंड रिलेशनशिप, फिजिकल इंटीमेसी, दूसरे पटरी का नाम है मनी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये मेन पटरियां हैं। अब ये मेन पटरियों में मर्द का यहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है कि सेक्स इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, प्लेजर एटसेट्रा, उस पर काफी फोकस होता है और उसके दिमाग में ये चीज काफी दौड़ता है। आप अगर कहोगे नहीं नहीं मैं अच्छा आदमी हूं, मुझे मेरे मन में सेक्स नहीं है भाई, मैं मानने को कम तैयार हूं, हो सकता है ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि लोगों में जनरली ऐसे होता है, स्पेशली यंग में, यूथ में तो नहीं होता है। हाँ, बुजुर्ग हो जाते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं और फिर अगर उनके मन से सेक्स की भावना छूट जाती है या फिजिकल इंटीमेसी की चाहत निकल जाती है तो भाई ये हो सकता है। फिर भी अगर शरीर काम करे या न करे, यानी आपका चीज खड़ा हो या न हो, फिर भी एक ये जो मेंटल ओरिएंटेशन रहता है, मेरा मानना है कि ये रहता है और ये कहीं जाता नहीं है। एक हमेशा एक भावना रहती है कि मुझे कुछ हासिल करना है यहां पर इस एरिया में, फिजिकल इंटीमेसी के एरिया में। ऑन द अदर साइड आपके पास है पैसा और सिक्योरिटी, तो पैसा और सिक्योरिटी का फोकस है वो औरत का फोकस है। औरतों को पैसे की और सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा फोकस रहती है। अब ऑब्वियसली उनको भी इसमें इंटरेस्ट है और मर्दों को भी पैसे और सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो ये बात गलत होगा कि भाई दोनों, एक सिर्फ पैसे और सिक्योरिटी चाहते हैं और एक सिर्फ सेक्स चाहता है, ऐसे नहीं है। लेकिन ओरिएंटेशन तो ये एक नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल की बात खुलकर शायद होती होगी, यानी कि आप पैसे को लेके झगड़ा कर सकते हो, पैसे की बात लेके झगड़ा कर सकते हो, खुल्लम खुल्ला कह सकते हो कि तू कमाता नहीं है, तू क्या कमाता है, तू कम कमा रहा है, अगर तू कमाता है तो घर में क्यों नहीं डाल रहा है, तू मेहनत नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। आप खुल्लम खुल्ला ऐसे झगड़ा कर सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आपके चरित्र पे कोई आंच नहीं आएगा। आप सिक्योरिटी को लेके भी झगड़ा कर सकते हो खुल्लम खुल्ला कि मैं इनसिक्योर फील कर रही हूं, हम सब एक ही छोटे घर में रह रहे हैं, मुझे अलग जाना था, मुझे एक अलग फ्लैट लेना था, मैं चाहती थी कि हम दोनों अलग से रहेंगे और मैं हमेशा यही सोचती थी कि तुम मुझे अच्छे घर में, अलग घर में रखोगे, भले वो छोटा हो लेकिन वो हमारा हो। अब इसी घर में रह रहे हैं, तुम्हारा कोई सिक्योरिटी नहीं है, जायदाद का तुम्हारा क्या हिस्सा है मुझे पता नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये झगड़ा खुल्लम खुल्ला होता है, मनी एंड सिक्योरिटी की बात खुल्लम खुली। यहां का जो बात है, मर्द की जो बात है, बिल्कुल दबी हुई, वो इसको चेले के झगड़ा नहीं कर सकता है। ये यानी होता होगा अगर किसी घर में वो यानी मर्द शराब पी के कुछ बोल देता है, बक देता है, गंदी बातें करता है, तो होता भी होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। तो मर्द अपनी चाहत, अपनी फिजिकल इंटीमेसी, अपनी सेक्स की चाहत, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका क्वालिटी, उसका क्वांटिटी, उसका स्टाइल नहीं कह सकता है, वो नहीं कह सकता, वो मुंह से निकलता ही नहीं है। झगड़े में तो नहीं कह सकता है, खुला
घर के अंदर तो चिल्ला नहीं सकता है उस चीज को लेके, किसी और के सामने व्यक्त नहीं कर सकता है, घर वालों के सामने कुछ कह नहीं सकता, अपने भाई के साथ या अपने डैड के साथ या आपके मॉम के साथ ये सब बातें नहीं होती है, ऐसी बातें असंस्कारी हैं। और समाज में जाके भी अगर वो दोस्तों के साथ भी शराब पी के अगर कहेगा तो शायद दोस्त भी कहेंगे यार कि तू साला लूजर है, और उसे भी शर्म आता है, उसके अंदर से एक शर्म खाई जाती है कि यार मुझे जो चाहिए था, मेरे लाइफ में जो चाहिए था मुझे नहीं मिला। क्या ये औरतों में हो सकता है इस टाइप की चीज? तो बिल्कुल वो भी होता होगा, होता ही होगा, और होता है मैं बोलूंगा तो भी गलत नहीं होगा कि ये आदमी मुझे सेटिस्फाई नहीं करता है, बस वही चीज आएगा और टक 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 करके करके फिर सो जाएगा और मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूं, अपने आप को सेटिस्फाई भी नहीं करती हूं, पड़ी रहती हूं बस, मुझे अपने आप पे दया आती है। तो ये टाइप से बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हैं जो अंदर दबे हुए हैं, और इन कॉन्वर्सेशंस के भूत जो हैं जो बाहर नहीं निकलते हैं, जिसके बारे में कोई चिल्लाता नहीं है, मर्द ये नहीं कह सकता है कि तू यार सो जाती है हर रोज रात को, यानी घर का काम करती है वगैरह वगैरह, मैं बेडरूम में वेट करता हूं तुम नहीं आती हो, आती हो तो कहती हो मेरा सर दर्द हो रहा है या मुझे मैं टायर्ड हूं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सो जाती हूं। पहली बात कि क्या ये नॉर्मल है? तो ये नॉर्मल भी है, ये भी नॉर्मल है, क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग वैसा है कि मर्दों को सेक्स करने से ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, पहली बात। तो बायोलॉजिकली बायोलॉजी ने उनको ऐसे गेयरिंग दे दिया है कि उनको ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज इट इज प्लेजर विदाउट एनी पेन। औरतों को उतना ये नहीं होता है, बिकॉज भाई सेक्स करने से बाद में प्रेगनेंसी आएगी, और प्रेगनेंसी आएगी तो भाई रेस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे, बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे, उनका पूरा बॉडी का शेप बदल जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है उसमें। तो हालांकि इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट की का जो लेवल है वो काफी फर्क है उसमें। तो ये डिस्कशन जो है, ये कॉन्वर्सेशन जो है, ये होता ही नहीं है, बात मुंह से निकलती ही नहीं। अच्छा, अभी सेक्स का मतलब सिर्फ इंटरकोर्स नहीं होता है, सिर्फ ऐसे नहीं है कि पीनिस को वजाइना में घुसा के टकड़ा टकड़ा इतना, इट इज नॉट ओनली दैट, देयर इज अ लॉट मोर टू इट, उसके अंदर बहुत कुछ है। एक दूसरे को आप प्लेजर दे सकते हो, आप प्लेजर देने के बहुत सारे तरीके हैं, ओरल सेक्स कर सकते हो, फिंगर से सेक्स कर सकते हो, बहुत कुछ है, हैंड जॉब, ब्लो जॉब, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है। अब ये जो कॉन्वर्सेशन है ये होता नहीं है, ये जो बात है ये मुंह से निकलती नहीं है, क्यों? क्योंकि शर्म का माहौल है। शर्म क्यों है? फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फियर ऑफ जी फियर ऑफ बीइंग जज्ड। अरे तुम शादीशुदा हो, तुम हस्बैंड एंड वाइफ हो, लेकिन फियर ऑफ बीइंग जज्ड। हां, हालांकि आप शादीशुदा हो, हालांकि आपको औरतों को अर्धांगिनी कहा जाता है कि भाई तुम यू आर हाफ हिज बॉडी, हालांकि उस तरह से कहा जाता है कि आप एक एक क्या कहते हैं वन फ्लैश हो, आप एक जान हो, एक बॉडी हो ऑलमोस्ट, ऐसे कहा जाता है, लेकिन हमसे बोला नहीं जाता है, वो डिस्कशन निकलता नहीं है, मुंह से निकलता नहीं है। और अगर मुंह से निकल गया, अगर आदमी ने हिम्मत करके कह डाला कि यार मेरी ये शिकायत है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मुझे अनसेटिस्फाइड लग रहा हूं, आई एम डिसेटिस्फाइड, अगर ऐसे कह दिया, क्या ये इसका रिस्पॉन्स या परिणाम हमेशा अच्छा होता है? तो आंसर इज अगेन नो, क्योंकि उसके जवाब में कहीं ऐसे ना सुनने को मिले कि अच्छा अच्छा तुमको सिर्फ सेक्स चाहिए, तुमको कमाना वमाना कुछ नहीं है, तुम यानी तुम्हारी कमाई इनएडिक्वेट है, तुम इनएडिक्वेट हो, तो वो एक शेमिंग वाली बात आ सकती है, और आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और हर मर्द का वो एक एंग्जाइटी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी कह दे कि तुम इनसफिशियंट हो, तुम्हारी मर्दानगी, चाहे लैंगिक मर्दानगी हो ना हो, लेकिन ओवरऑल
पैसों के मामले में, तुम्हारे पर्सनालिटी के मामले में, तुम्हारे व्यवहार के मामले में, तुम्हारे सामाजिक स्तर के मामले में तुम्हारी मर्दानगी कम पड़ रही है। तो इस तरह से सुनने का एक डर रहता है हर मर्द के अंदर, वो एक इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं उसकी पत्नी ऐसे कह न दे जिससे बहुत गहरी चोट पहुंचेगी, शी विल चॉप हिम डाउन, यानी कि उसके उसको उसका उसके ईगो को डिस्ट्रॉय कर देती है, कर सकती है। मर्द भी औरत के ईगो को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कहने के लिए बहुत कुछ है, कोई बांझ कह सकता है, कोई फ्रिजिड कह सकता है, तू फ्रिजिड है, तेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं है यार, तेरा वो कहने को बहुत कुछ हो जाता है। तो औरतों को भी शायद डर लगता ही होगा, मैं समझता हूं कि लगता है, दे फील अफ्रेड ऑफ बींग जज्ड। और अगर वो कोई स्पेशल चीज कहे, और अगर औरत कहे कि यार मुझे ओरल सेक्स पसंद है, तुम मेरे ऊपर ओरल सेक्स करो वगैरह वगैरह, कुछ भी अगर कह दे, और अगर वो मर्द ने कह दिया छी तुम क्या बात कर रही हो, तुम गिरी हुई औरत हो, पता नहीं तुम्हारे पहले कितने बॉयफ्रेंड्स थे, आशिक थे, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये टाइप की बातें अगर कह दी जाए जिससे बहुत ही चोट पहुंचेगी, गहरी चोट पहुंचेगी, वो गहरे चोट से हम डरते हैं और इसलिए ये कॉन्वर्सेशन होता ही नहीं है, इसका डिस्कशन होता ही नहीं है। अब चलो बात करते हैं सिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी के बारे में, पैसों के मामले के बारे में। तो पैसों का बहुत सारा यूज है, पैसा एक चीज नहीं है, पैसे हर एक इंसान के लिए एक अलग मतलब रखता है। किसी के लिए पैसा एक सिक्योरिटी है जिसको बचा के रखना चाहिए, जिसको सेव करके रखना चाहिए, और अगर आप सेविंग्स को तोड़ते हो, जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट्स या म्यूचुअल फंड को तोड़ोगे, तो उन्हें ऑलमोस्ट फिजिकल पेन जैसे होता है, बहुत एंग्जाइटी क्रिएट होता है, अरे फिक्स डिपॉजिट्स तोड़ रहे हैं, अरे म्यूचुअल फंड तोड़ रहे हैं, ये कुछ लोगों की परसेप्शन होती है। और वही चीज मर्दों का शायद एक अलग नजरिया होता है पैसों को देखने का। तो ये ऑफ कोर्स थोड़ा मैं जनरलाइज कर रहा हूं कि मर्दों के लिए इट इज अ सोर्स ऑफ पावर, कि मैं मेरा परचेजिंग पावर है, कि मैं इससे ये अचीव कर सकता हूं, कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं चाहूं तो एक कार ले सकता हूं, ले मैंने कार लेके दिखा दिया, और बड़ी गाड़ी ले सकता हूं, ले मैंने फोर्ड लेके दिखा दिया, और बड़ी गाड़ी ले सकता हूं, ले मैंने मर्सिडीज लेके दिखा दिया, ये टाइप की जो डिस्प्ले ऑफ पावर है। और डिस्प्ले ऑफ पावर के लिए पैसा एक मेजरमेंट है, तो उसके सोशल सक्सेस का एक मेजरमेंट है। औरतों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, ज्वेलरी पहनते हैं, इवन कार फॉर दैट मैटर औरतों के लिए भी एक शान है, वो कहते हैं अरे हमारी ये कार है, वो कार में वो लोग पहुंचते हैं अपने वेन्यू पे, कहीं अपने परिवार के यहां या किसी सोशल वेन्यू पे जाएंगे तो शान से जाएंगे, ठाट से जाएंगे, यानी यू मनी इज समथिंग टू बी वोर्न, पैसे को आप पहन सकते हो या पैसे को आप दिखा सकते हो, देखा देखी का एक सामान है। तो एक तरफ है सेविंग्स के लिए, अब सेविंग्स करोगे तो दिखेगा नहीं, दूसरे तरफ है देखा देखी के लिए, तो देखा देखी करोगे तो बचेगा नहीं, तीसरा होता है यूटिलिटी के लिए, खाने पीने के रोज के। अब खाने पीने का रोज का आप उसमें बहुत पैसा तो खर्च नहीं करते हो, लेकिन एक फेयरली सब्सटेंशियल अमाउंट तो जाता ही है, और उसमें जिसे हम सुपरफ्लूअस एक्सपेंडिचर कह सकते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फील गुड फैक्टर है, पिज्जा मंगाना। अब पिज्जा मंगाओगे तो 2-3 हजार रुपए तो ऐसे ही चले जाएंगे, अगर सबके लिए परिवार वालों के लिए मंगाओगे, 5-6 लोग हैं या फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं तो 2-3 हजार तो कहीं की बात नहीं है। बाहर से इफ यू ऑर्डर टेक आउट तो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द फूड आपका 700, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे ही चले जा सकते हैं, लेकिन एक फील गुड फैक्टर है कि हमने बाहर से खाना मंगाया, आज हमें मूड नहीं था खाना पकाने का तो आप बाहर से मंगा लो, हस्बैंड कहता है ठीक है मंगा लेते हैं, तो
कभी कभी ऐसे होता है फील गुड फैक्टर में किसी को पिंच भी होता होगा, हस्बैंड को एक टेंशन रहता होगा कि यार मेरा बजट, मेरे घर का बजट मैं नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम वो उसके मुंह से निकलता नहीं है, वो कह नहीं सकता है कि यार हम इतना कमा नहीं रहे हैं कि ये टाइप की अय्याशी करें, ये टाइप का एक्सपेंडिचर करें, तो वो संकोच में आकर मंगा तो लेता है, चलो पिज्जा वगैरह मंगाए, 3,000 रुपए का बिल आया, दे दिए, लेकिन अब उसकी एंग्जाइटी कि अब इसको फुलफिल करने के लिए ये जो गैप है इसको फुलफिल कैसे करूंगा, तो फिर कहीं ना कहीं से काटेंगे। ये एक है, और इसलिए क्योंकि मुंह से कुछ निकला नहीं था, उसने कुछ बोला नहीं था, हालांकि उसको एंग्जाइटी लगी थी, तो गुस्सा आएगा, गुस्सा कहीं और दिखाएगा, किसी और बात को लेके दिखाएगा, तुम ठीक से ये नहीं करती हो, तुम ठीक से वो नहीं करती हो, वगैरह वगैरह। अब उसका डिससेटिस्फैक्शन जो है वो ये होगा कि पिज्जा क्यों मंगाया, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते? अरे ठीक है यार, उसकी कमाई उतनी नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई? देयर आर मेनी रीजंस, इट इज नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड, ये दुनिया परफेक्ट नहीं है, तो नहीं है। और इस तरह से कई सारे जो टेंशन्स हैं उसको लेके घूमते हैं। पिज्जा मंगाने का गुस्सा कहीं और निकलेगा, बेडरूम का डिससेटिस्फैक्शन का गुस्सा कहीं और निकलेगा, हस्बैंड ज्यादा कमा नहीं रहा है उसका डिससेटिस्फैक्शन, बात बात पे ताने पड़ेंगे। तो इस तरह से माहौल खराब होता है, धीरे 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 वो जो शादी का जो क्वालिटी है, वो शादी का क्वालिटी, मैरिज की जो वो रिलेशनशिप की जो क्वालिटी है, वो धीरे धीरे से वेयर आउट होने लगता है, क्योंकि लोग ओपनली बात नहीं करते हैं, ओपनली कहते नहीं। अब इसका क्या ये मतलब निकाला जाए कि सब ओपनली बात करने लगेंगे और कहने लगेंगे अरे यार मुझे ओरल सेक्स की जरूरत है, चल यार वंस इन अ मंथ इज नॉट इनफ, वंस इन अ वीक होना चाहिए, चल आजा। अगर इस तरह से कहेंगे तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? तो मैं कहता हूं नॉट नेसेसरीली। हर एक चीज का प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बात करने से शायद नहीं भी होगा, लेकिन न बात करने से तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम, यानी बेहतर है कि आप बात करो। अब बात करने से बात बिगड़ सकती है, तो करेक्ट, बात करने से भी बात बिगड़ सकती है। तो इसका ऐसा है कि लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, लेकिन सॉल्यूशंस के भी प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस हैं, एंड सो ऑन। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा, यानी उसे अटैक तो करना पड़ेगा ना प्रॉब्लम को। मैं हूं आपका दोस्त कृष दियोरबन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।